अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। होमवर्क कर लिया है आपने? आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट के कुछ रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने थे। आई नो आपने सॉल्व कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि टीचर भी तो आपको कॉल करती है ना पूछने के लिए। तो अगर कन्फ्यूजन होती है आप टीचर से ज़रूर पूछा करें। तो आज हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, सेम पेज है 122। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है? एक रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, उनको आपने उनके टाइम को मेजर करना है, ठीक है, और फिर उसका सलूशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जावेद के बारे में है। जावेद क्या कह रहे हैं? जावेद्स मीटिंग स्टार्टेड एट 2:45 PM। 2:45 का क्या मतलब है? 2:45 के ऊपर मीटिंग स्टार्ट हुई है। 5:25 पे मीटिंग ख़त्म हुई है, ठीक है। अब आप बताएं कि मीटिंग का टाइम कितना था, ठीक है। अब आप देखें, अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक घड़ी सामने रख लें, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। आप देखें 2:45 और 3 के बीच में पहले आप आवर्स काउंट करें, कितने आवर्स बनते हैं। 2:45, 3:45, 3:45, जब देखें 2:45 पे मीटिंग स्टार्ट हुई, 3:45 पे एक घंटा हो गया, 4:45 पे 2 घंटे हो गए, 5:45 पे 3 घंटे हो जाते, लेकिन 5:45 होने से पहले 20 मिनट्स पहले ही मीटिंग ख़त्म हो गई। ऑलराइट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप देखें कि 3 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए, 3 आवर्स में से 20 मिनट्स पहले ही मीटिंग ख़त्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 3 आवर्स में से माइनस कर देते हैं 20 मिनट्स को, कितने बन जाएंगे? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 में से 20 माइनस करें तो 40 बनता है। तो सॉल्यूशन क्या है? मीटिंग वाज अबाउट 2 आवर्स 40 मिनट्स, 2 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। सो अब आपको ये वाली मेजरमेंट भी आनी चाहिए, आपको टाइम देखना भी आना चाहिए। अगर आपको टाइम देखना नहीं आता वॉल क्लॉक पे, आपका ये भी होमवर्क है कि आपने टाइम देखना अब सीखना है। ऑलराइट, टीचर आपको कॉल करके टाइम के बारे में भी पूछेंगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह, बट लेट्स आई हेल्प यू सम। द ट्रेन लेफ्ट द टर्मिनल एट 11:20 AM। ट्रेन जो है 11:20 पे चली एंड अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन एट 2:40 PM। मतलब सुबह 11:20 के ऊपर चली है, और मतलब PM का मतलब होता है कि इवनिंग का टाइम आ गया है, 2:40 के ऊपर पहुंच गई है। अब आप बताएं कि इसका टोटल टाइम कितना था। अगेन, अगर आपके पास वॉल क्लॉक है आप उसके ऊपर देखें। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम 11:20 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 11:20 के ऊपर ही एक घंटा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 12:20, 1:20, 2:20, 3 आवर्स हो गए। 3:20 तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 2:40 की बात हो रही है, ठीक है, 2 आवर्स से हम ज़्यादा नहीं करेंगे। दोबारा समझाऊँ, 11:20 के ऊपर ट्रेन चल गई, 12:20 के ऊपर ट्रेन को चलते चलते 1 घंटा हो गया, 1:20 के ऊपर ट्रेन को चलते चलते 2 घंटे हो गए, ऑलराइट, 2:20 के ऊपर ट्रेन को चलते चलते 3 घंटे हो गए, लेकिन ट्रेन 2:40 पे पहुंची, ठीक है। 2:20 पे 3 घंटे हो गए, उसके बाद 20 मिनट्स और भी हैं, 20 मिनट्स को ऐड कर लेते हैं उसके अंदर, तो हमारे पास हो जाएंगे 3 घंटे 20 मिनट। ऑलराइट, सो द सॉल्यूशन इज़, ट्रेन जो है वो सफ़र करते करते रुकी है 3 घंटे 20 मिनट। अब आपको मैंने वर्बली बता दिया है, इसको लिखना आपने अपनी बुक्स में, कॉपीज में खुद ही है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मंसूर लीव फॉर 1 वीक। मंसूर कहीं तफरी करने गया है, कहाँ गया है, वेकेशंस पे गया है 1 वीक के लिए। ऑलराइट, उस 1 वीक में मंसूर जो है वो 1st February को गया है, वापस कब आएगा? 1 वीक कितना होता है? 7 डेज होते हैं। हम क्या करेंगे, 1st February से स्टार्ट करेंगे मंसूर की वेकेशंस,
और 7 डेज़ के बाद ख़त्म कर देंगे। तो हम काउंट करते हैं, 1st February, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। तो मंसूर कब वापस आएगा? 7 February को। ऑल राइट, सो आई होप आपको कैलेंडर और वॉल क्लॉक देखनी आती है, टाइम भी देखना आना चाहिए और कैलेंडर भी देखना आना चाहिए। ऑल राइट, अब हम 4 पे आ जाते हैं। फरीद वॉज 24 years old ऑन January 18, 1993। फरीद जो है 24 years का है 18 January 1993 को। इन वट ईयर वॉज ही बोर्न? अच्छा, तो कब पैदा हुआ? हाउ ओल्ड विल बी ऑन January 18, 2003? अच्छा, अब हमने बताना है कि फरीद एक तो पैदा कब हुआ, इन वट ईयर वॉज ही बोर्न। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अगर हम जनवरी 18 में देखें 2003 में, तो उसकी एज क्या होगी? अब ये दो क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको हिंट दे रही हूँ, उसका सलूशन भी आप खुद करेंगे, ठीक है? फरीद 18 जनवरी को कितने साल का है? 24 इयर्स का। तो हम सिंपली 1993 एक ईयर लिखा हुआ है ना, इसी में से हम 24 माइनस कर देंगे ताकि हम पीछे चले जाएं उसकी एज से, है ना? तो हम 93 में से जब 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा? 1979 में फरीद पैदा हुए, ठीक है? 1993 पे उनकी एज 24 है। और अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2003 में उनकी एज क्या होगी? आप सिंपली 93 से काउंट करना स्टार्ट करें उनकी एज, और 2003 तक देखें क्या एज बनती है। तो हम स्टार्ट करते हैं 24, पहले हम यहाँ पे 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, ठीक है? 1, 2, 3, 10 फिंगर्स हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, 24 उनकी एज थी 93 पे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. तो इस वक्त फरीद की एज होगी 2003 में 33. सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब आपने इसी तरह इसका सोल्यूशन लिखना है कि 2003 में फरीद की एज होगी 33, और जो पैदा हुए वो 1979 में पैदा हुए हैं, ठीक है? सिक्सटी नाइन में पैदा हुए हैं। ऑल राइट, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी मंथ्स, वीक्स एंड डेज आर देयर बिटवीन June 14, 2013 एंड 1 October? अब देखें, आपको कैलेंडर देखना आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको कैलेंडर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मंथ्स जो होते हैं वो 31 डेज़ के होते हैं, कुछ मंथ्स जो होते हैं वो 30 डेज़ के होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका ये होमवर्क भी है, आपने कैलेंडर बुक लेनी है, ठीक है? और 14 जून से लेकर आपने देखना है पहले जून कितने डेज़ का है। अगर तो 30 डेज़ का है, आपने एक चार्ट बना लिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने मंथ्स बनते हैं? 5 मंथ्स, ठीक है? आपने एक चार्ट बनाना है, इन सब के नाम लिखने हैं। ऑल राइट, नाम लिखने के बाद आपने लिखना है जून के कितने डेज़ हैं। अगर तो 31 है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? 15 डेज लिखेंगे, 30 है। अगर तो 31 है तो आप 16 लिखेंगे, ठीक है? 16 लिख दिया, उसके बाद आपने जुलाई के सारे मंथ टोटल डेज लिखे, उसके बाद आपने अगस्त के लिखे, फिर आपने सितंबर के लिखे, इन सब को आप ऐड करें, और 1 डे जो है वो अक्टूबर का है, ठीक है? उन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि इस पूरे टेन्योर में टोटल कितने डेज़ बनते हैं। जब आपके पास डेज़ आ जाएंगे, आप उसको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपके पास वीक्स की काउंटिंग आ जाएगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ योर होमवर्क।
मैनी एयरलाइंस मेक यू परचेज अ टिकट 14 डेज बिफोर यू फ्लाइट. बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस होती हैं जो कि आपको कहती हैं कि आप 14 दिन पहले टिकट खरीदें. इफ़ शैला इज लिविंग ऑन नवंबर 15th, ऑन व्हाट डे शुड ही. अच्छा, अब अगर एक लड़की है शैला, उसको नवंबर 15 को कहीं पहुंचना है, ठीक है, उसको फ़्लाइट चाहिए नवंबर 15 की, तो वो किस डेट को बुक कराएगी. अब सिंपल 15 में से 14 माइनस कर दें, क्या आंसर आएगा? 1. तो सिंपली वो 1 नवंबर को अपनी टिकट बुक कराएंगी तो ही उनको 15 नवंबर की टिकट मिलेगी. सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास. आई नो आपको ये क्वेश्चंस इंजॉय किए होंगे और आपको समझ आ गए होंगे. नहीं समझ आते हैं, वीडियो रिपीट करके देखें. टीचर आपको कॉल करेंगी, वो भी आपकी हेल्प करेंगी. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.